अगर आप भी Redmi MI Android स्मार्टफोन यूज करते हो फ्रेंड, और वो Redmi MI Android स्मार्टफोन आपसे इस प्रकार लॉक हो चुका है, पासवर्ड लॉक, आप अपना पासवर्ड को भूल चुके हो फ्रेंड, तब जाकर आपने इस वीडियो को ओपन किया है। मैंने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है Redmi MI Android स्मार्टफोन का लॉक कैसे तोड़ें। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका फिर से मेरे नए यूट्यूब चैनल पर और फिर से एक नए वीडियो पर। फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Redmi MI Android स्मार्टफोन का लॉक कैसे तोड़ा जाता है बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, बिना इंटरनेट कनेक्शन के। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे Redmi MI Android स्मार्टफोन का लॉक कैसे तोड़ा जाता है। फ्रेंड जब आपका फ़ोन इस प्रकार लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, तो इस केस को सॉल्व करने के लिए, अपना पासवर्ड रिमूव करने के लिए, पैटर्न पिन, आप लोग डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाते हो। सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसा लेते हैं, आपसे समय लेंगे, तब जाकर आपका फ़ोन अनलॉक करके देंगे। नो डाउट, कंफर्म कि वहाँ पे आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड आपको एक बात पता नहीं है, जब आपको फ़ोन हाथ में मिलेगा, जब आप ऐसे स्वीप अप करोगे, तो आप देखोगे कि आपके फ़ोन में जो भी डाटा है, फैमिली फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, जिस कंपनी में आप वर्क करते हो उस कंपनी का डॉक्यूमेंट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टोटल का टोटल दोस्त सर्विस सेंटर वाले या रिपेयर मोबाइल दुकानदार वाले डिलीट कर देंगे दोस्त। लेकिन इस वीडियो को आप ओपन किए हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो मेथड बताने वाले हैं 2024 का लेटेस्ट मेथड, जो आप भी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इस मेथड को फॉलो करके, इस मेथड को प्रोसेस में डाल के आप अपना Redmi MI Android स्मार्टफोन का लॉक तोड़ सकते हो फ्रेंड, घर बैठे, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए। आपका Redmi MI Android स्मार्टफोन अनलॉक मिलेगा और वो भी विदाउट डाटा लॉस मिलेगा फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आप लोग के पास पहुँचता रहेगा। फ्रेंड सबसे पहले जब आप अपने फ़ोन के ऊपर स्वीप अप करोगे, आप देखोगे कि आपके फ़ोन में पासवर्ड लॉक है, जो आपको पता नहीं है। आप यहाँ पर कहीं भी वर्क नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालोगे, आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है, बार बार जब ट्राई करोगे यहाँ पे सेकंड शो करेगा, फिर बार बार ट्राई करोगे मिनट शो करेगा, धीरे धीरे आपका फ़ोन डेथ होता चला जाएगा दोस्त। लेकिन इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको हम दो मेथड बताएंगे, दो तीन मेथड के अनुसार आप अपना Redmi का लॉक तोड़ सकते हो फ्रेंड। जब आप स्वीप अप करोगे तो आपको यहाँ पे कहीं भी वर्क करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। नीचे इमरजेंसी कॉल है फ्रेंड, नीचे इमरजेंसी कॉल है, लास्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, हम इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करेंगे। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक न्यू डायलेट का ओपन होगा। इस न्यू डायलेट में सबसे पहले आपको FRP कोड का इस्तेमाल करना है, जिस कोड के मदद से आपके फ़ोन में जो भी FRP लॉक लगा हुआ है, सबसे पहले वो रिमूव होगा। और जब आपका फ़ोन अनलॉक होगा, सबसे पहले आपको अपना जो पासवर्ड होगा फ्रेंड, उसको 10 मिनट के अंदर चेंज करना होगा। पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन हो, आप लोग इतना माइंड में बात याद रखना। तो जो कोड मैंने अभी अभी आपको दिया, इस कोड को देख लो, ये कोड लेटेस्ट कोड है, 2024 का लेटेस्ट कोड है, और इसी कोड की मदद से आपका Redmi MI Android स्मार्टफोन का FRP कोड टूटेगा। इस कोड को आपको 3 टाइम कॉल करना है। डायलेट पे डायल करने से ये कोड वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड, इसको वर्क कराना पड़ता है। तो इस कोड को 3 टाइम कॉल करना है। कैसे कॉल करना है ये भी हम आपको बताते हैं। जब कॉल पे क्लिक कीजिएगा, कॉल फील्ड द नंबर इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर का मैसेज आएगा, उसको कीजिएगा ओके। ये हो चुका 1 टाइम, इसी प्रकार 2 एंड देन 3। 3 टाइम कॉल कंप्लीट हो, इस कोड को एक एक करके हटाइएगा। और जो जो कोड हम देंगे फ्रेंड, वो टोटल का टोटल कोड इंपॉर्टेंट कोड होगा, टोटल इंपॉर्टेंट कोड होगा। तो अब आपको हम सेकेंड कोड देंगे फ्रेंड, स्टार, सॉरी फ्रेंड 9 नहीं होगा, यहाँ पे 9 के जगह 7 होगा, और स्टार और हैज होगा। ये जो कोड मैंने अभी अभी आपको दिया है फ्रेंड, ये भी कोड उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले वाला कोड इम्पोर्टेंट था। तो सबसे पहले फ्रेंड इस कोड को आप लोग देख लो, क्योंकि ये कोड फ्रेंड ऑफलाइन मूड कोड है, और इसी कोड के मदद से आपका डाटा टोटल का टोटल रिकवर होगा, टोटल का टोटल डाटा रिकवर होगा सिर्फ इस कोड की मदद से। तो ये भी कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है, इसको आप लोग लिखना, स्क्रीनशॉट लेना। अगर कोड में किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत होता है तो वो हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आप ही लोग के लिए फ्रेंड टोटल हेल्प आपका करेंगे। तो जो कोड मैंने अभी अभी आपके डायलेट पे डायल किया है, इस कोड को ओनली 5 टाइम कॉल करना है आपको, ओनली 5 टाइम, ताकि ये कोड आपके फ़ोन में वर्किंग करे
एक्टिव हो जाए। 5 टाइम कॉल करना है, कैसे करना है ये भी आप लोग को हम बता चुके हैं। ऑफलाइन मूड एक्टिव कोड सेकेंड कोड का नाम है, जो आपका एक लौता प्रॉफिट देगा, डाटा टोटल का टोटल रिकवर करके देगा। फ्रेंड 7 टाइम इसको कॉल करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। ये डायलेट पे डायल करने से कोई भी कोड वर्क नहीं करता है फ्रेंड। हम इसको इसलिए कॉल करते हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि सर इस कोड को आप हमेशा कॉल क्यों करते हो। तो भाई ये कोड जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक ये कोड वर्किंग नहीं करेगा, रनिंग नहीं करेगा और आपके फ़ोन में एक्टिव नहीं होगा दोस्त, इसीलिए हम लोग कॉल कोड को कॉल करते हैं। तो 7 टाइम कॉल करने के बाद इस कोड को एक एक करके हटा लीजिएगा। अब आपके फ़ोन में डाटा रिकवर हुआ, FRP कोड रिमूव हुआ, लेकिन अभी तक आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ फ्रेंड। उसके लिए आपको एक और कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कोड का नाम है, पहले नाम नहीं बताएंगे फ्रेंड, पहले आप ये कोड को देख लो। सॉरी, बहुत ही छोटा सा कोड है, बहुत ही छोटा सा, इसको आप लोग याद भी कर सकते हो, गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड। अगर आप भी रेडमी MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज कर रहे हो और वो फ़ोन लॉक हो चुका है पासवर्ड पैटर्न पिन, ये कोड को डालिए और 1 टाइम कॉल कर लीजिए आप अपने फ़ोन में, ताकि ये कोड आपके फ़ोन में एक्टिव हो जाए और आपका पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन हो फ्रेंड 1 मिनट में ये रिमूव करेगा। 1 मिनट में, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा और ये रिमूव कर देगा। आप बस 1 टाइम इसको कॉल कर दो, कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा, ओके कर लीजिएगा, इस कोड को डायरेक्ट हटा दीजिएगा। 3 कोड हम इस वीडियो में दिए हैं फ्रेंड, और वो तीनों कोड आपका बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा एकदम, क्या बोले हम आपको इस कोड के बारे में, जितना बोलेंगे उतना कम रहेगा। बस इतना आपको हम बताएंगे कि ये तीनों कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है फ्रेंड। अगर इस कोड के साथ एक भी अंक अगर इधर उधर करते हो तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होने वाला है फ्रेंड। तो अब ये कोड आपके फ़ोन में एक्टिव हुआ है या नहीं, हम अब होम बटन पर क्लिक करेंगे। अगर तीनों कोड आपके फ़ोन में एक्टिव हुआ है फ्रेंड, तो डाटा भी रिकवर होगा और आपका फ़ोन भी अनलॉक मिलेगा। यहाँ पे होम बटन है, हम होम बटन पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो कि ये फ़ोन अनलॉक और वो भी विदाउट डाटा लॉस। आप देख लो फ्रेंड, एक भी इस फ़ोन का डाटा डिलीट नहीं हुआ है मेरे सेकेंड कोड की मदद से, ऑफलाइन मूड एक्टिव कोड, क्योंकि ये वर्क ही ऑफलाइन हो रहा है फ्रेंड। तो आप देख सकते हो कि इस फ़ोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है, टोटल का टोटल डाटा रिकवर है। अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाते, पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता फ्रेंड, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा नहीं छोड़ते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मॉडल नंबर के साथ कमेंट करोगे फ्रेंड, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।